फरीदाबाद नेहरू कॉलोनी निवासी पवन, जिसकी उम्र 16 साल है। आज वे प्रतिदिन की तरह आज तकरीबन 7 बजे अपनी साइकिल पर परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए पानी में भरे ड्रम को लटका कर सड़क के रास्ते अपने घर जा रहा था कि तेज गति से आ रही एक स्कूल बस उसे साइकिल सीट कुचल दिया, जिससे 16 वर्षीय पवन की मौके पर मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने से तुरंत बाद बच्चे के परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद मौके पर इलाके की पुलिस पहुंच गई और हालात को समझाने की कोशिश कर रही है और बच्चे के शव को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। ना तो कोई अनलीगल बात कही, ना कोई डिमांड कोई स्पेशल हमने रखी, ठीक है। हमने एक जवाब दे अधिकारी के लिए कहा है, ये तो अधिकार बनता है या इससे भी वंचित है बता दीजिए आप। जी मैं ये कह रहा हूँ, हम आपके सामने आप मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमे का नहीं, हम अधिकारी कह रहे हैं। अधिकारी को तो आप बुलाएंगे, कोई अधिकारी आप बुलाए तो जिम्मेदार है। ऐसे तो नहीं है, ऐसे नहीं है। एसीपी को आप बुलाइए, ठीक है। आप अपने ऊपर करेंगे, अपने ऊपर करेंगे, ठीक है। ये भी सर पहले पता है। हाँ ठीक है सर, सुनो शांति वाला है, रखो कोई मॉडर्न दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस, अभी सुबह लगभग 6:30 बजे इसने एक बच्चे को कुचल दिया, बच्चा पानी लेने जा रहा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।